हेलो दोस्तों, पाव भाजी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब चटकारे ले लेकर खाते हैं, लेकिन घर पे वो मार्केट जैसा स्वाद और कलर नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी कि एकदम मार्केट स्टाइल पाव भाजी घर पे कैसे बनाते हैं। और हाँ, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा है कि उन्हें मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, तो सामने बेल आइकन होगा, तो बेल को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको क्लिक करना है ऑल, तो ही आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल पाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया और एकदम मार्केट स्टाइल झटपट पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में झटपट से सब्जियाँ बॉईल हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और उसको फटने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बटर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, पहले सब सब्जियों को पका लेंगे हम जीरा के साथ, उसके बाद बटर से हम बाद में फ्लेवरिंग करेंगे जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो इसमें हम डाल देंगे हमारी सारी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पे 2 आलू जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से फूल गोभी के टुकड़े। तो आप चाहें तो यहाँ पे पत्ता गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी आपको पसंद है। कुछ लोग दोनों यूज़ करते हैं और कुछ लोगों को गोभी पसंद ही नहीं है उनकी भाजी में, तो आप उसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे थोड़े से फूल गोभी के टुकड़े भी डाले हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गाजर जिसे भी मैंने ऐसे टुकड़ों में काटा है, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 से 2 छोटे टुकड़े बीटरूट के। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा पाव भाजी में, और आपको फिर एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप ट्राई करके देखिए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर जिसको मैंने ऐसे रफली चॉप किया है। टमाटर वैसे आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ना बहुत एकदम टैंगी, मतलब एकदम खट्टी खट्टी टमाटर वाली पाव भाजी पसंद होती है, तो आप उसके हिसाब से अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर 3-4 टमाटर भी आप डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 से 2 हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, अच्छे से ज़ीरे का फ्लेवर आ जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं अपने पाव भाजी में, तो आप इसी वक्त इसमें डालिएगा कुकर में, ताकि वो सारी सब्जियों के साथ बॉयल हो जाए। पर क्योंकि आज मैं फ्रोज़न मटर यूज़ करने वाली हूँ, तो वो मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ कुकर में, क्योंकि फ्रोज़न मटर के ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, तो वो जल्दी से पक जाते हैं, और जब कुकर में डालने से ना उनका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैशी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मटर नहीं डाल रही हूँ, अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो ही आप यहाँ पर डालिएगा। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है करने में, 1 मिनट घुमाया। अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही पानी डालना है, वो इसलिए क्योंकि जो जितना भी मसाला है ना, ये इंटायर मिक्सचर जो हम कुकर में डाले, वो पूरा मसाला हम यूज़ करने वाले हैं बाद में जब पकाएंगे, तो पानी हमको फेंकना नहीं है क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, इसलिए पानी हिसाब से यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं इतनी सब्जियों के लिए डाल रही हूँ करीबन 1.5 से 2 कप पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो आप अपने हिसाब से सब्जियों के हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, बस थोड़ा लेवल तक के ही रखिएगा। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके पकाएंगे ढक्कन लगाकर, इसको हाई फ्लेम पर विसल आने दीजिए, 2 से 3 सीटी बजाएंगे इसमें हम, और उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट आप और छोड़ सकते हैं, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो जब तक ये सारी सब्जियां पक रही है, इसे पीछे गैस में रख देते हैं, तो साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में, या फिर आप चाहें तो एक बड़ा सा तवा अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है तवा पाव भाजी, क्योंकि उसमें क्या ना बहुत अच्छे से हीट आती है। तो आज मैं यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन, क्योंकि पाव भाजी बनाने जा रहे हैं तो मक्खन तो भर भर के डालना चाहिए, और क्योंकि हमारा मक्खन जले ना, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल भी। एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाएगा मक्खन, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने इसे बारीक काटा है, और इस प्याज को पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा सा पक ना जाए, बटर का फ्लेवर, बढ़िया सा मखनी फ्लेवर ना आ जाए सारे प्याज में। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब इसको डार्क नहीं करना है, बस ऐसा है कि सॉफ्ट हो जाए प्याज और थोड़े से एकदम भुने भुने लगें। और जब आपको लगेगा कि प्याज हल्के से गुलाबी होने लग रहे हैं, देखिए थोड़े से गुलाबी हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुए, सॉफ्ट भी हो गए, तो इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कैप्सिकम लिया है जिसे भी मैंने ऐसे बारीक काटा है, और इसे भी पकाएंगे प्याज के साथ। और अब प्याज और कैप्सिकम दोनों चीज़ों को बस 2 से 3 और मिनट पकाना है, जैसे दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बटर में पक जाए। तो जब ये पकी रही है 2 मिनट के बाद, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी पकाएंगे। आपको चाहिए तो आप इस वक्त भी इसमें नमक डाल सकते हैं, पर क्योंकि हमने सारे वेजिटेबल्स में नमक डाला ही है, तो आप नमक बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है,
एकदम नरम हो गई है, प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एकदम बढ़िया से कलर के लिए। वैसे तो मैंने बीटरूट डाला है, पर फिर भी कश्मीरी लाल मिर्ची का ना अलग एकदम टेस्ट होता है और फ्लेवर होता है। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला। तो ये स्टोर बॉट मतलब रेडीमेड पाव भाजी मसाला है, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरी फेवरेट चीज़, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन चटनी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मार्केट में भी कभी पाव भाजी खाई होगी ना, खास करके मुंबई में अगर आपने पाव भाजी खाई होगी, तो वहाँ पे तो लहसुन चटनी भी देते हैं साथ में, एकदम वो तेल वाली जो चटनी होती है ना, मैं तो ज़रूर एक्स्ट्रा लेती हूँ पाव भाजी के साथ। तो वो मैं यहाँ पे इस वक्त डाल रही हूँ, लहसुन चटनी, या फिर आप चाहें तो शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। इन दोनों के वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये ऑप्शनल है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसको डाल के देखिएगा, फ्लेवर एकदम दुगना हो जाएगा आपके पाव भाजी का। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए, मतलब अगर आपको शेजवान चटनी या फिर लहसुन चटनी नहीं डालनी और आपको अलग टाइप का थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर चाहिए, तो आप इस वक्त इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, देखिए मसाला कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट और भूनेंगे, जब तक मसाला एकदम पूरी तरीके से भून ना जाए, मतलब एकदम भुना हुआ मसाला ना लगे, साइड से तेल ना छूटने लगे, ये देखिए इस तरह से। तो अब प्याज और कैप्सिकम को और थोड़ा सा गलाएंगे, तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, तो करीबन 1/2 से 1 कप पानी इसमें डाल दीजिए और इसे भी पकाइए मसाले के साथ। मतलब इस पानी में ना अनियन और कैप्सिकम को अच्छे से उबलने दीजिए ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, तभी वो पाव भाजी खाने में ना मज़ा आएगा। तो जब तक ये हमारी दोनों सब्जियां पक रही है, इसमें बॉईल आ रहा है अच्छे से, इस गैस को लो फ्लेम पर रख दीजिए, तब तक हम चलिए अपना कुकर भी चेक कर लेते हैं। लेड हटाकर चेक करते हैं, ये देखिए वेजिटेबल्स कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई और एकदम पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैश करके, एकदम प्रॉपरली नरम हो गई है। तो अब हम लेंगे पाव भाजी मैशर और यहाँ पे थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए। वैसे आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कढ़ाई में भी डाल के मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैश कर लीजिए ताकि आगे का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं पाव भाजी के, तो इस वक्त पहले इसको अच्छे से आप मैश कर लीजिए। देखिए अब जब मैं मैश कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि अच्छा सा कलर इसमें आ रहा है, मतलब जो बीटरूट हमने डाला था ना, उसकी वजह से एकदम लाल रंग आ गया है इस भाजी में। तो ये बॉयल सब्जियाँ भी हमारी रेडी है। आप चाहें तो नॉर्मली इतने प्रोसेस तक, मतलब ये सब्जियाँ ऐसे बॉयल करके आप कोई भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, और कभी भी शाम के टाइम अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या कोई पार्टी है, तो फिर उसको आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो प्रोसेस है एकदम आसान हो जाएगा। तो बस ये सब्जियाँ एकदम अच्छी तरीके से मैश हो गई है। चलिए बढ़ते हैं कढ़ाई की तरफ। ये देखिए हमारे जो अनियन और कैप्सिकम, वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं पानी के साथ और एकदम मुलायम हो गए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉयल की हुई वेजिटेबल्स। तो पूरा मसाला जो भी हमने कुकर में मैश किया था पूरा डाल दीजिए, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ करीबन 1 कप या फिर 1 मुट्ठी, आपको जैसे पसंद है। इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर, क्योंकि इस मटर को पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी चीज़ें एकदम आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, और मैश करते करते इसे पकाते जाइए 3 से 4 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको खड़ी पाव भाजी पसंद है, ऐसे कुछ लोगों को खड़ी पाव भाजी पसंद आती है, मार्केट में भी मिलती है, तो आप इस स्टेज तक के उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो भाजी है ना, थोड़ी खड़ी खड़ी दिख रही है, मतलब जब आप खाएंगे ना तो उसकी पीसेस और चंक्स आपके मुंह में आएंगे। अगर आपको वैसी पाव भाजी पसंद है तो आप इस वक्त इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको बिल्कुल मैश की हुई एकदम प्यूरे एकदम सिल्की पाव भाजी पसंद है, तो आप इसे और थोड़ी देर मैश करते हुए पकाइए। तो मैंने इसे मैश किया और इसे पकाया है करीबन 3 से 4 और मिनट के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि जो पाव भाजी है ना, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि इसमें जितना भी आलू था, जितना भी स्टार्च था, गोभी, सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई है, मैश हो गई है, इसकी वजह से इसका जो कलर है ना, वो भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि गाढ़ी हो गई है पाव भाजी, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे भी पकाएंगे। तो पकाते पकाते मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, क्योंकि पकते पकते बीटरूट ने और लाल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ने भी वापस से कलर छोड़ा है, तो अच्छा कलर मुझे दिख रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पाव भाजी लाइट लग रही है इस वक्त, तो आप इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल सकते हैं,
जैसे कि मार्केट वाले करते हैं, मार्केट में भी कलर डाला ही जाता है, पर क्योंकि हमने बीट डाला तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसे मिक्स करते जाइए और मैश करते जाइए, जैसे आपको पसंद हो, खड़ी या एकदम मैश की हुई पाव भाजी। तो करीबन 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते पकते, मैंने इसको मैश किया और अब आप देखेंगे कि एकदम गाढ़ी पाव भाजी तैयार हो गई है। देखिए सब चीज़ें जो है ना, सारी सब्जियां आपस में अच्छे से मिलजुल गई है, वो पानी अलग नहीं दिख रहा है, सब्जी अलग नहीं दिख रही, सारी चीज़ें एकदम गाढ़ी और एकदम बढ़िया से आपस में मिलजुल गई है। मैं आपको ना इसे गिरा के दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, क्योंकि मज़ा तो आना चाहिए ना जब पाव डिप करें तो, उस भाजी का स्वाद तो आना चाहिए, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी की आ गई है ये देखिए। तो लास्ट में इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा फ्रेश नींबू का रस, फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और क्योंकि पाव भाजी है तो मक्खन तो फिर से बनता ही है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा बटरी फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून और मक्खन। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो बस ये देखिए एकदम गाढ़ी बटरी मसालेदार झटपट पाव भाजी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की। इसको बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा वरना ये सूखी सूखी हो जाएगी। तो चलिए अब प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। तो प्लेटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तवा रखा है मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन, और जैसे ही मक्खन पिघलने लगेगा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज डाल रही हूँ थोड़ी सी हमारी जो अभी हमने पाव भाजी बनाई थी वही मैं डाल रही हूँ, और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही किया जाता है पाव भाजी स्टॉल में भी। और इसके ऊपर हम डाल देंगे अब हमारे स्लिट किए हुए पावस, और पाव को थोड़ा सा ऐसे सेक लीजिए एक तरफ से, और फिर दूसरी तरफ भी पलटा के थोड़ा सा सेक लीजिए जैसे आपको ज़रूरत लगे। नॉर्मली मार्केट में भी वो क्या करते हैं ना पाव भाजी स्टॉल वाले, जिस तवे में पाव भाजी बनाते हैं उसी तवे में आपको पाव सेक के देते हैं, तो उसमें एकदम बढ़िया बटरी और एकदम सब्जी का स्वाद आ जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सब्जी डाल दी और थोड़ा धनिया डाल दिया। तो दूसरी तरफ से भी पका लीजिए, देखिए कितनी बढ़िया मसालेदार पाव लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही पाव ही सूखी खा लूँ। तब इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट रखा है, इसमें हम प्लेस कर देंगे पाव, और यहाँ पे मैंने पहले से रखा है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अनियंस, जिसको कहते हैं कांदा मुंबई में, थोड़े से लेमन के साथ, धनिया के साथ, और अब हम इसमें परोसेंगे हमारी पाव भाजी। वाओ, लग रही है ना बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट में मिलती है या फिर चौपाटी में मिलती है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और एक कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और थोड़ा सा मक्खन, और क्योंकि मस्के के बिना कोई पाव भाजी नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया पाव भाजी बनी है। तो फ्रेंड्स इस बढ़िया सी पाव भाजी के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाइए इतनी बढ़िया सी पाव भाजी, मुँह में पानी भी आ रहा है, तो एक बाइट लेके देखते हैं। तो इसके लिए मैं पहले स्क्वीज़ करूँगी थोड़ा सा लेमन का जूस, तोड़ूँगी एक पाव और इसे डिप करेंगे इस बढ़िया सी मक्खन वाली, एकदम सेंटर में मैं डिप करूँगी मक्खन वाली पाव भाजी में। मज़ा आ गया फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई करके देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, और इन्जॉय करती हूँ अपनी पाव भाजी। बाय बाय।